ठीक है, चलो कल मुलाकात करते हैं। मिलते हैं फिर। जब तक मैं बराक से बात ना कर लूं, तब तक आप इदाद को मत छोड़िए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी 24 घंटे तक कानूनी तौर पर अपने पास रखना है। चलो 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 बच्चों, हम लोग चलते हैं। चलो चलो, शाबाश शाबाश। चलें बाबा, आइए। लोग कहाँ चले गए? उस्मान बाबा हमारा निकाह पढ़ाएंगे। इमाम के तौर पर निकाह? इनको क्या हो गया? रुको, मैं बात करके आता हूँ। ताहिर, रस्मी निकाह तो कर लिया है, ये भी कर लेते हैं। अदालत में हम ईद के लिए झूठ बोल रहे हैं नफीस। अल्लाह के सामने तो झूठ नहीं बोल सकते ना हम लोग, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। तुम्हारी रजामंदी नहीं। तुम जानते हो ना मैं क्यों रजामंद नहीं। मुझे ईद को पास रखने के लिए मुझे एक मर्द की जरूरत पड़ी है। एक पाक दामन औरत होते हुए मुझे अपनी पाक दामनी की सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा उस शैतान के हाथों में फिर से कैद हो जाए। अदालत पर राजी नहीं है जिसको मजलूम से ज्यादा जालिम पर यकीन है। और मेरी बात पे तुम रजामंद हो क्या? तुम्हें पता है अपनी मोहब्बत करता औरत से आज मैं शादी नहीं कर पा रहा। एक कागज पे दस्तखत करके बात खत्म हो गई। मैंने ऐसी औरत से शादी की जो खुद को विदात की उतरन कहती है। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी रजामंदी है? नहीं है। उस जहनुम के निशान तुम्हारे बदन से मैं नहीं मिटा पा रहा, लेकिन तुम्हारी रूह से मिटा देना, इसमें तुम्हारी रजामंदी की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी निकाह करना चाहती हूं। हमें हमारे लिए दुआओं की जरूरत है। बहू बेटी के गवाहों से पूछते हैं, दुल्हन के लिए हक महर कितना चाहते हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ऐसा सवाल पूछा जहां मेरा दिमाग नहीं चलता उस्ताद जी। तो नफीस, हक महर मांगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो हक होता है लड़की का। हमें एक कश्ती चाहिए। क्या कहा, क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, जिस चीज का कारोबार होगा वही तो मांगेंगे ना हम। हमें कश्ती ही चाहिए। वल्लाह। हाँ ताहिर, क्या कहते हो, एक और कश्ती दे दी जाए क्या? फिर हमें तो आदत है भाई, अच्छी लगी, जाने दें। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? कैसी कश्ती? मेरी जान, मुझे भी हक महर में कश्ती ही मिली थी। अगर एक तुम्हें भी दे देंगे तो इनका क्या जाएगा? आप सब पागल हैं। हाँ, ऐसे ही समझो, बस अम्मी अकलमंद है यहाँ। आसिया, लिखिए उस्ताद जी, लिखिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम। उनाल की बेटी नफीस, तुमने महमत के बेटे ताहिर को अपना मियां कबूल किया है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुन्नते रसूलुल्लाह।
मेहमत के बेटे ताहिर, तुम्हें उनाल की बेटी नफीस अपनी बीवी के तौर पे कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। तो आप सब लोग गवाह हैं? जी हाँ। जी जी, मैंने आपका निकाह मुकम्मल किया। एक जैसी रूहों को मिलवाने वाले और हलाल निकाह करवाने वाले अल्लाह की हम्द हो। आमीन। ऐ मेरे रब, ये निकाह कबूल फरमा, हमारे बच्चों को आबाद रख, एक दूसरे के लिए शिफा बने। आमीन। आमीन। एक दूसरे के लिए दवा बने और मदद करें। इस घर को फितने से दूर रखना। आमीन। जालिमों के जुल्म से दूर रखना। आमीन। इसमें उल्फत और मोहब्बत भर दे। आमीन। आमीन। इत्तेहाद और इत्तेफाक हमेशा कायम रहे। आमीन। या रब, इस घर पे दोनों जहानों में रहमत बरसाना। आमीन। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा युसफून वस्सलाम अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल-फातिहा। नफीस, क्या हुआ तुम्हें? अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर।
तुम ठीक तो हो ना? नफीस फिर से फालतू की बातें मत। एक नीले पर वाली हिरनी थी, सफेद रंग वाले ने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो कैद में रही, बहुत सी मुश्किलात सही, बेटे के लिए, फिर हिरनी का समंदरी चीते के साथ उसका आमना सामना हुआ। वो बहुत हैरान हुई क्योंकि चीते ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने हिरनी की हिफाजत की। वो हिरनी चीते से मिलने से पहले तक जो भागने पे, लड़ने पे और पकड़े जाने पे मार खाती थी, लेकिन चीते के आने के बाद उस हिरनी ने जिंदगी जीना शुरू की। चीता उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ले आया। उस चीते ने उसकी जिंदगी के सारे गम मिटा दिए। अब हिरनी को हर चीज कबूल है। अरे नफीस, मैं वैसे भी चलने के लिए तैयार हूं, क्या तुम भी चलना चाहती हो?